यहाँ किड्स की फैक्ट्री आउटलेट में आग लगने का, जैसे हमारे जाकिर साहब और हमारे करीम साहब इब्तदाई सदर MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब को फ़ोन किया, और ही जाफर हुसैन मेराज साहब MLA ने मुझको रब्ता करते हुए यहाँ भिजाया गया। यहाँ आकर पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड ने 2 बजे इमीडिएट 10 मिनट में आकर पूरी आग को काबू में पा लिया गया। यहाँ पे कपड़ों की दुकान थी और उसके बाद में अलसफ़ा बोल के एक वो डेयरी थी, उसमें भी थोड़ी बहुत लगी। यहाँ मुकामी लोगों ने और सब मिलकर यहाँ स्टाफ ने, पुलिस वालों ने और फायर वालों ने बड़ी तेज़ी से जो है आग को कंट्रोल पा लिया गया और किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। और आग लगने की वजह ये बताई गई है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है, अभी पुलिस वाले मालूमात कर रहे हैं। नुकसान का तो वो लोगों का, अपने दुकान वालों का बोलना है 20-25 लाख रुपए का है, खैर अभी पूरा मालूम नहीं करे। अब वो लोगों के पास में अगर से इंश्योरेंस है या नहीं है वो बाद में कल या परसों में मालूम होगा इंशाल्लाह। आग कब लगी है? ये बराबर 2 बजे आग लगी। क्या लगने ये यहाँ पे बोलने का, यहाँ के सबका बोलने का ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नहीं, कपड़े की दुकान में लगी। अलसफा में एक पार्टीशन था तो पार्टीशन को जो है टूट के जो है थोड़ी थोड़ी जो है अलसफा में पहुँची, जैसे सीलिंग नीचे गिरी आग सीलिंग को पकड़ कर आग और जो है थोड़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई समझिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।